हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आलोकन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अमनदीप आपके लिए लेकर आई हूँ राजस्थान का इतिहास। तो पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे राज सिंह के बारे में। हम मेवाड़ का जो इतिहास पढ़ रहे हैं उसमें हमने राज सिंह के बारे में पढ़ा था कि राज सिंह ने के समय में मुगल सिसोदिया और ये राठौर संघर्ष भी हुआ था, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ रहे थे कि जो राज सिंह है, राज सिंह के विषय में हम पढ़ रहे थे, महाराणा राज सिंह, ठीक है। कल हमने देखा था कि इन्होंने सबसे बड़ा मतलब जो इनका शिलालेख है वो कहाँ पर है। देखो, इन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था, हमने कल पढ़ा था राजसमंद झील, जो गोमती नदी है उसके पानी को रोककर इन्होंने ये राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। यहीं पर एक शिलालेख है जिसे राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से जाना जाता है राज प्रशस्ति। इसे नौ चौकी भी कहा जाता है, नौ चौकी, ठीक है, इसे नौ चौकी भी कहा जाता है। और जो ये राज प्रशस्ति है, जो एक महाकाव्य उस किसे लिखा था, रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तेलीय जाति के ब्राह्मण थे रणछोड़ भट्ट, इनके द्वारा ये राज प्रशस्ति लिखा गया था। और ये विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है। तो ध्यान रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख राज सिंह, जो राज प्रशस्ति है, राज सिंह के समय में रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। और ये कहाँ पर है, इसी झील के किनारे, राजसमंद झील के किनारे है, जो गोमती नदी के पानी को रोककर बनाई गई थी, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको कल बताया था कि राज प्रकाश, इनके समय में कुछ ग्रंथों की रचना भी हुई थी, जैसे राज प्रकाश जो है इसकी रचना किशोरदास ने की थी, ठीक है। इसके अलावा राज रत्नाकर, मैंने आपको बताया था राज रत्नाकर, इसका जो रचयिता थे वो थे सदाशिव, ठीक है। इसके अलावा राज विलास, देखिए ये किताबें बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखनी है। राज विलास जो है उनके रचयिता थे कवि मान थे। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है खुमान रासो, क्या नाम है इसका, खुमान रासो, जो इसकी रचना की थी दौलत विजय ने इसकी रचना की थी। इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि इसमें बप्पा रावल आपको याद है, मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, बप्पा रावल और राज सिंह तक जितने भी मेवाड़ के शासक हुए उनका वर्णन इस बुक में है। कौन सी बुक में है, खुमान रासो किसने लिखी थी, दौलत विजय। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पर, कि क्योंकि इसमें बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक कि जो जितने भी शासक हुए मेवाड़ के उनका वर्णन है। तो किसने लिखी थी, देखो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बुक। इसके अलावा सारी बुक ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे आपको मैं याद करने का तरीका बता दें, जैसे राज प्रकाश है, इतनी बुकें याद ही नहीं रखी जाती। जैसे श आया है तो किशोर, देखो श इसमें भी है, आप इस तरीके से याद रख सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुकें हैं। हर एक शासक के समय में जो कवियों ने बहुत सारी बुकें लिखी हैं, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण बुकें हैं हम उसको याद रख सकते हैं। देखिए जैसे आप राज प्रकाश को, जैसे किशोरदास है इनके द्वारा लिखी रही, किशोर में श आता है, राज प्रकाश में भी श आ रहा है, क्योंकि आपको ऑप्शन में देंगे मल्टीपल में, हम इसलिए ईजिली कर सकते हैं ना। तो राज रत्नाकर, इसको तो आपको याद रखना पड़ेगा, रत्नाकर रत्न है शिव के, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ। विलास, जो राज विलास है, देखो राज सिंह के समय राज विलास जो है कवि मान, उसको विलासता का मान है, राज जो है विलास है। इस तरीके से आप अपने एक ट्रिक बना के आप याद भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी किताबें याद भी नहीं होती हैं। लेकिन ये खुमान रासो मतलब दौलत पर, जैसे दौलत विजय ने लिखी तो दौलत पर खुमान है, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। एक ट्रिक मतलब अगर आप ध्यान में रखेंगे, अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं, मैं तो अपनी बता रही हूँ। तो खुमान है, दौलत पर खुमान है, मतलब इस तरीके से खुमान रासो आप एक तरह से याद रख सकते हैं, इसको ऐसे याद रखना है, खुमान दौलत,
तो दौलत पर खुमान है, तो खुमान डासो किसने लिखी थी? दौलत विजय ने लिखी थी। तो आपको आंसर मिल जाएगा इससे, वैसे भी हमको ऑप्शन दिए होंगे तो हमको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें देखिए बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बुक, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा महाराजा यश, महाराजा राज सिंह यश प्रशस्ति भी लिखी गई है इनके यश, जो यश गान के लिए, राज सिंह के यश गान की जो प्रशस्ति है वो भी लिखी गई है, ठीक है। इनके अलावा ये सारी इनके जो बुकें हैं हमें याद रखनी है, ठीक है। अब राज सिंह के बाद में जो है, राज सिंह के बाद में जो नेक्स्ट जो राजा हैं, जो नेक्स्ट वो हैं शासक हैं, महत्वपूर्ण जो शासक हैं वो हैं जय सिंह। जय सिंह जैसे आते हैं इनके बाद में। जयसिंह ने जैसे राजसमंद झील का निर्माण राजसिंह ने कराया, जयसिंह ने अपने नाम पे जयसिंह झील, जयसमंद झील या जयसमंद झील का निर्माण करवाया। ये भी गोमती झामरी और रूपारेल जो ये नदियां हैं इनके पानी को रोककर ये जयसमंद झील का निर्माण करवाया गया था जयसिंह के द्वारा, ठीक है, जयसिंह के द्वारा ये निर्माण करवाया गया था जयसमंद झील। ये विश्व की सबसे, भारत की सबसे बड़ी क्या है, झील है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये, ठीक है, ध्यान रखना है आपको इसका। और यहाँ पर इस झील की दो विशेषताएं, यहाँ पर दो टापू बने हुए हैं जिस टापुओं का नाम है बाबा का मगरा और प्यारी, दूसरा कौन सा है, प्यारी। कुछ जगह लिखा है बाबा का भांगड़ा भी लिखा हुआ, लेकिन बाबा का मगरा ही है, ठीक है, और दूसरा है प्यारी, ठीक है। तो ये टापू है, ये दो टापू कहां पर है, जिस प्रकार राजसमंद झील के आस जो पास में राज प्रशस्ति रणछोड़ भटके द्वारा लिखी गई है उसे नौ चौकी भी कहा जाता है, इसी प्रकार जैसमंद झील पर दो टापू हैं, ध्यान रखने आपको इंपॉर्टेंट है, बाबा का मगरा और प्यारी नाम से दो टापू हैं, ठीक है, इस प्रकार। और इनके समय में देखिए इनके द्वारा मारवाड़ और मारवाड़ के अजीत सिंह को और आमेर के जो सवाई जय सिंह को भी क्या किया गया था, सहयोग दिया गया था, ठीक है, उनके जो संघर्ष उस समय हो रहा था वो हम आगे पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। और इसके बाद में इनके द्वारा ये दो ये महत्वपूर्ण काम किया गया था, जैसमंद झील का इनके द्वारा निर्माण किया गया था, ये बहुत आता है एग्जाम में, जैसमंद झील जो है किसके द्वारा बनाई गई थी, तो मेवाड़ के शासक जय सिंह द्वारा बनाई गई थी, गोमती झामरी और उपारेल जो नदियाँ हैं उनके पानी को रोक कर बनाई गई थी, और ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसके बाद, ठीक है। इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह सवाई जय सिंह से, आमेर के कछवाहा वंश के जो सवाई जय सिंह से भी किया था, इसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो है हमारा वो है अमर सिंह, ठीक है। अमर सिंह जो है इनके समय में देखिए जो एक बांडी का महल का निर्माण करवाया गया था, बांडी महल, इस महल की विशेषता यह है कि यह पूर्णतः सफेद पत्थर से निर्मित है,
तो इनके विषय में यही ध्यान रखना है। अमर सिंह सेकंड है ये, ठीक है, अमर सिंह सेकंड, ठीक है, इनके द्वारा ये निर्माण कराया गया था। और इन्होंने इन्होंने जो जागीरों को बांटा था दो भागों में, जागीर को दो भागों में बांटा था, मतलब इन्होंने श्रेणियां बनाई थी, जैसे एक तो है प्रथम श्रेणी जिसमें 16 जागीर आती थी, और एक थी द्वितीय श्रेणी जिसमें 32 जागीर आती थी। तो ध्यान रखिएगा, प्रशासन से संबंधित भी हमारे जो हमारे सिलेबस में है पूछा जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो उमराव और सरदार की जो दो श्रेणियां बनाई थी सामंतों की, किसने बनाई थी, अमर सिंह ने बनवाई थी, इसी प्रकार अमर सिंह सेकंड ने भी दो श्रेणियां बनाई हैं, ध्यान रखिएगा। तो आप इस तरीके से याद रखें, सेकंड ने भी कुछ काम किया है जो सामंतों की श्रेणियां बनाने में, प्रथम श्रेणी जो बनाई 16 जागीर है उसमें, और द्वितीय श्रेणी बनाई है जिसमें 32 जागीरें, मतलब जागीरों को निश्चित कर दिया गया था, ठीक है, किस प्रकार मिलेगी, किस सामंत को, इस तरह से एक तरह से इनको कर दिया गया था, ठीक है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट शासक है वो है संग्राम सिंह दित्य। जो नेक्स्ट शासक है वो है संग्राम सिंह दित्य, ठीक है। देखिए, आपको इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, ये जो जो समय है इनको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है इतना, अगर आप यही याद करते जाएंगे तो फिर आप पूरा जो आपका राजस्थान का इतिहास ही नहीं पढ़ पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, आपको ये सीक्वेंस ध्यान रखना है कि राज सिंह के बाद में जय सिंह आता है, फिर अमर सिंह आता है। आजकल जो है ट्रेंड है वो जो महत्वपूर्ण युद्ध है या कुछ ऐसा कुछ घटना हुई है उसी से संबंधित जो सन को पूछा जाता है इतिहास में, जितने भी क्वेश्चन मैं देख रही हूँ आजकल यही ट्रेंड है। तो आप जो भी है जो डेट वगैरह है इन पर ध्यान नहीं दीजिए, लेकिन जो महत्वपूर्ण युद्ध हैं और जो महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई हैं जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊँगी उसी को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर मैं बाई चांस नहीं भी लिखती हूँ राजा का क्या शासनकाल था, तो बस आपको वो महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखनी है बस, ठीक है। तो संग्राम सिंह जो थे इनके समय में, इनके द्वारा आपने पढ़ा होगा उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी, ठीक है, काफ़ी फेमस है, बहुत अच्छी, कहते हैं कि एक जगह है, पर्यटन स्थल है सहेलियों की बाड़ी, इनका निर्माण करवाया गया था संग्राम सिंह सेकंड के समय में, ठीक है। इसके अलावा एक मेवाड़ शैली का चित्र है, मेवाड़ शैली का बहुत ही फेमस चित्र है, जब आप चित्रकारी पढ़ो चित्रकला पढ़ेंगे जब तब हम उसको अच्छे से समझेंगे। तो इनके समय में ही मेवाड़ शैली का जो एक चित्र है, प्रसिद्ध चित्र है, कलील दमना, क्या नाम उसका, कलील दमना को चित्रित किया गया था। कलील दमना जो प्रसिद्ध चित्र है उसको क्या किया गया था, मेवाड़ शैली का जो प्रसिद्ध चित्र है उसको चित्रित किया गया था इनके समय में, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक आता है हुरडा सम्मेलन, हुरडा सम्मेलन क्या है, देखिए हुरडा सम्मेलन क्या है, ये देखिए इस समय की बात है जब जो मराठे जो हैं वो अपनी मतलब शक्ति को बढ़ा रहे हैं। तो मराठे क्या है, अपने जितने भी आसपास के जो प्रदेश हैं, ठीक है, शिवाजी जो हैं आप जानते हैं मराठा राज्य की स्थापना की थी, अब उसके बाद में जो है उनके जितने भी उत्तराधिकारी हैं, ठीक है, और उनके द्वारा जो पेशवा हैं उनके द्वारा क्या किया जा रहा है, अपने राज्य का विस्तार किया जा रहा है। तो एक हुडरा सम्मेलन जो था, ठीक है, ये मराठा शक्ति को रोकने के लिए राजपूतों की एक तरह से संगठन बनाया गया था, ठीक है। इस संगठन जो ये संगठन है, तो ध्यान रखिए हुडरा सम्मेलन क्या है, मराठा शक्ति को राजस्थान में रोकने के लिए राजपूतों द्वारा एक संगठन का निर्माण किया करा गया था, उसको क्या कहा गया था, हुडरा सम्मेलन। हुडरा जो जगह है वो भीलवाड़ा में है, ठीक है, तो भीलवाड़ा में ये सम्मेलन हुआ। लेकिन ध्यान रखिएगा संग्राम सिंह जो सेकेंड है उनके समय में हुडरा सम्मेलन की क्या बनी थी, सिर्फ योजना, ये सम्मेलन नहीं हुआ था, योजना ही बनी थी, ध्यान रखिएगा योजना इनके समय में बनी थी, ठीक है। तो ध्यान रखना कि योजना इनके समय में बनाई गई थी। और उदयपुर में जो सहेलियों की बाड़ी है, एक तरह से ये उद्यान है, बहुत अच्छा सुंदर बना हुआ है, उदयपुर में आप जाइएगा देखिएगा। और
कलील दमना जो है, कलील दमना ध्यान रखिएगा, जो कलील दमना बहुत मेवाड़ का एक प्रसिद्ध चित्र है, इसके बारे में जब आपको चित्रकला पढ़ाऊंगी, आप संस्कृति पढ़ेंगे तब आराम से हम देख सकते हैं इसको, ठीक है। ये एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा किसके समय का जो चित्र है, ये संग्राम सिंह सेकंड के समय का चित्र है। हुडरा सम्मेलन की योजना बनाई गई, ठीक है, योजना बनी थी संग्राम सिंह सेकंड के समय में। अब जो है हमारा नेक्स्ट राजा, इनके लिए बस इतना ही, आगे जो नेक्स्ट जो हमारा शासक है वो है जगत सिंह सेकंड, ठीक है, जगत सिंह। जगत सिंह सेकंड है, इन्होंने पिछोला झील के पास में, देखो ये इंपॉर्टेंट है, पिछोला झील के पास में एक जगत निवास, ध्यान रखना जग मंदिर उन्होंने बनाया था। जग मंदिर बनाने की शुरुआत कर्ण सिंह ने की थी और जग मंदिर को पूर्ण किसने किया था, जगत सिंह फर्स्ट ने, और इन्होंने क्या बनाया, जगत निवास महल पिछोला झील के पास में, है ना। इन्हीं के समय में नेकराम थे, एक इनके दरबारी कवि थे, उन्होंने जगत विलास, क्या जगत विलास जो ग्रंथ है उसकी रचना की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनके समय में लिखा गया ग्रंथ है, ये नेकराम कवि है, ठीक है, कवि है या दरबारी कवि है या इतिहासकार है, कुछ भी लिखे, इन्होंने क्या किसकी रचना की थी, जगत विलास की रचना की थी इनके समय में, ठीक है। इसके अलावा इनके जगत सिंह सेकंड है, इनके समय में हुडरा सम्मेलन 17 जुलाई, देखिए डेट आप याद रखना, 17 जुलाई 1734 में, ठीक है, 1734 ईस्वी में ये जो सम्मेलन हुआ था, मैंने आपको बता दिया हुडरा कहाँ पर है, भीलवाड़ा में, और मैंने आपको बताया था कि हुडरा सम्मेलन क्या, अभी बताया आपको, मराठा शक्ति को रोकने के लिए राजस्थान में सभी राजपूतों ने एक संगठित शक्ति बनाई थी, चाहे आमेर का कछवाहा हो, मारवाड़ के हो, मेवाड़ के हो, सभी ने मिलकर क्या एक तरह से हुडरा सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे, भीलवाड़ा में हुआ था, इसका डेट भी आती है 17 जुलाई 1734 में ये जो है सम्मेलन हुआ था, ठीक है। लेकिन कुछ कारणवश इसकी अध्यक्षता जगत सिंह सेकंड ने की थी, जगत सिंह ने इसकी अध्यक्षता की थी, ध्यान रखिएगा किसने अध्यक्षता की थी, जगत सिंह सेकंड में, ये पूछा जाता है अध्यक्ष कौन था, तो जगत सिंह सेकंड ने अध्यक्षता की थी। कुछ अध्यक्षता को लेकर, कुछ स्वार्थ को लेकर ये जो सम्मेलन है, मतलब ये चल नहीं पाया, और ये सम्मेलन मतलब आगे जो संगठन था वो ये बिखर गया था, ठीक है। इन्हीं के समय में एक और बात आती है, बाजीराव प्रथम जो है ये पेशवा है, मराठा शक्ति भी मतलब अब क्या है, विस्तार करना चाहती है, ठीक है, तो पेशवा है बाजीराव, ये पेशवा है, देखिए जो मराठा जो है, मराठों के जो प्रधानमंत्री है उनको पेशवा कहा जाता है, ठीक है। तो बाजीराव प्रथम ने इस समय यहाँ से चौथ वसूला था, तो ध्यान रखना इन्हीं के समय में पहली बार चौथ वसूला, ठीक है, ध्यान रखिएगा बाजीराव मतलब अपनी शक्ति का विस्तार, चौथ का मतलब यहाँ पे 1/4 हिस्सा जो भी अपनी आमदनी होगी, 1/4 हिस्सा एक तरह से कर होता था ये, है ना, कि हम आपकी जो जो क्षेत्र है मेवाड़ पर आक्रमण नहीं करेंगे, ठीक है। एक्चुअली क्या होता था, जो मराठे थे वो जो आसपास के जितने भी प्रदेश थे इनके, जैसे राजस्थान को मान लें, जब ये लूटते थे उसको, तो लूट उसमें क्या करते थे, एक तरह से एक बड़ी लूटमार मचाते थे मराठे लोग, है ना, तो वो कहते थे अगर आप चौथ दे देंगे हम आपके क्या करेंगे, लूटमार नहीं करेंगे आपके प्रदेश में। तो मेवाड़ में बाजीराव प्रथम द्वारा जो लूटमार की जाती है, लेकिन उसके एवज में क्या होता है, ये एक तरह से चौथ वसूला जाता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये है कि इन्होंने लूटमार की होगी, इसीलिए तो हुडरा सम्मेलन हो रहा है ना, ध्यान है। तो इस तरीके से बाजीराव प्रथम के समय में पहली बार मेवाड़ में
बाजीराव प्रथम के द्वारा जगत सिंह के समय में मेवाड़ से चौथ वसूला गया। ध्यान रखें, मतलब मराठा शक्ति का प्रादुर्भाव हो गया था, अभ्युदय हो गया था मेवाड़ जगत सिंह सेकंड के समय में। ठीक है, ये ध्यान रहेगा आपको। तो हुड्रा सम्मेलन हुआ था इनके समय में 17 जुलाई, याद रखना है ये डेट भी आपको आती है पेपर में, 17 जुलाई 1734 में हुड्रा सम्मेलन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अध्यक्षता किसने की थी? जगत सिंह सेकंड ने की थी। ठीक है, कहाँ पर है ये पूछ लेंगे, तो ये भीलवाड़ा में है, इन्हीं के समय में चौथ वसूला गया था पहली बार, इसी को रोकने के लिए तो हुड्रा सम्मेलन बनाया गया। ठीक है, अब देखिए इनके बाद में देखिए ध्यान रखिएगा, जगत विलास की रचना भी की गई थी। ठीक है, जगत निवास महल जो है पिछोला झील में इनके समय ही बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद में जो हम देखते हैं जो नेक्स्ट शासक है वो है भीम सिंह। हम सिर्फ महत्वपूर्ण शासक पढ़ रहे हैं, इनके बाद भी बहुत सारे शासक आए, 3-4 शासक आए, लेकिन हम महत्वपूर्ण पढ़ रहे हैं, भीम सिंह आए। ठीक है, महाराणा भीम सिंह, जो भीम सिंह है, भीम सिंह के समय में एक घटना होती है, कृष्णा कुमारी विवाद। देखिए कृष्णा कुमारी विवाद क्या है, ये कृष्णा कुमारी विवाद, कृष्णा कुमारी विवाद क्या है? देखिए भीम सिंह है जो मेवाड़ के हैं, है ना, महाराणा भीम सिंह है, इनकी एक पुत्री है कृष्णा, अपनी पुत्री का जो ये क्या करते हैं, सगाई जो है जोधपुर के राजा भीम सिंह से तय कर देते हैं। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, सगाई जिससे की जाती है वो भी भीम सिंह है। ठीक है, और जो इनके पिता हैं कृष्णा कुमारी के, वो भी क्या है, भीम सिंह है। तो ध्यान रखना, जोधपुर के राजा भीम सिंह से कृष्णा कुमारी की क्या कर दी जाती है, सगाई तय कर दी जाती है। लेकिन क्या हो जाता है, दुर्भाग्यवश जो भीम सिंह है उनकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? उनकी मृत्यु हो जाती है। अब क्या करते हैं भीम सिंह, जयपुर के जगत सिंह के साथ, जयपुर के जगत सिंह के साथ अपनी पुत्री कृष्णा की सगाई तय करते, क्योंकि भीम सिंह की तो मृत्यु हो गई, यहाँ पर जोधपुर के हैं जो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो ये क्या करते हैं, अपनी बेटी की सगाई दोबारा जय सिंह के साथ, जगत सिंह के साथ कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जगत सिंह के साथ। अब यहाँ पर क्या बात होती है कि जोधपुर का एक शासक है मान सिंह, वो इस बात को मतलब मानता नहीं है कि अगर भीम सिंह की मृत्यु हो गई तो जोधपुर में हमारे एक बार रिश्ता हो गया तो जोधपुर में ही होना चाहिए, मतलब जोधपुर में एक बार हमारा रिश्ता जुड़ गया है तो मान सिंह क्या करता है, जो जगत सिंह के साथ कृष्णा कुमारी का जो है सगाई संपन्न हुई है उसका क्या करता है मानसिंह, विरोध करता है। क्यों विरोध करता है, क्योंकि वो कहता है कि हमारी प्रतिष्ठा है, एक तरह से उस समय बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा, मान सम्मान सम्मान इस चीज़ को बहुत ज़्यादा माना जाता था, क्योंकि जोधपुर के जो भीम सिंह है जो मेवाड़ के, उन्होंने पहले से ही जो सगाई तय कर दी थी, तो उनका मानना था कि अब जो कृष्णा का विवाह है जोधपुर के ही किसी राज से या शासक से ही होना चाहिए। तो भीम सिंह के बाद मानसिंह शासक बनता है, तो ये दावा करता है कि भीम जो है कृष्णा कुमारी का विवाह मानसिंह से होना चाहिए। अब क्या होता है, जब जयपुर के जगत सिंह के साथ सगाई हो चुकी है, ठीक है, अब इन दोनों में क्या होता है, झगड़ा स्टार्ट हो जाता है कृष्णा कुमारी को लेकर। ठीक है, तो एक मिगोली, इन दोनों के मध्य में एक मिगोली करके युद्ध होता है, ध्यान रखिएगा, मिगोली का युद्ध होता है, ये पूछा जाता है युद्ध, देखो छोटे छोटे युद्ध पूछ लिए जाते हैं, मिगोली का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, तो ध्यान रखना है आपको, जो मिगोली का जो युद्ध हुआ था मानसिंह और जगत सिंह के मध्य में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, कृष्णा कुमारी कौन है, मेवाड़ की राजकुमारी है, भीम सिंह की पुत्री है। ठीक है,
पहले क्या करते हैं भीम सिंह, ध्यान दीजिएगा, भीम सिंह जो हैं अपनी पुत्री की सगाई भीम सिंह से ही करते हैं, जो जोधपुर के राजा हैं, उनकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो फिर क्या होता है, मानसिंह विवाह का दावा करता है कि हमारे जो राज्य में एक बार रिश्ता हो गया है तो हमारे राज्य में ही लड़की आनी चाहिए। लेकिन अब क्या होता है, भीम सिंह ऑलरेडी जो है जयपुर के जगत सिंह से जो कृष्णा कुमारी है उसका उसकी सगाई तय कर चुका है। इसी कारण इन दोनों के मध्य में कृष्णा कुमारी को लेकर मानसिंह और जगत सिंह के मध्य में कौन सा युद्ध होता है, मिगोली का युद्ध होता है। इस युद्ध का नाम आप ध्यान रखिएगा, मिगोली का युद्ध क्या है, ठीक है। तो ये मानसिंह और जगत सिंह के मध्य हुआ था, ठीक है, क्लियर है आपको। इस युद्ध में एक घटना होती है, यहाँ पर एक घटना होती है, देखिए ध्यान रखिए, एक अमीर खां नाम से पिंडारी है, देखो अमीर खां पिंडारी नाम का एक व्यक्ति है, भाड़ोत जगह है यहाँ पे, वहाँ का ये पिंडारी है। देखिए जो पिंडारी लोग हैं ये भी बड़ी लूटमार करते हैं, आसपास के जितने भी इनके जो क्षेत्र हैं उनको क्या करते हैं, लूटमार करके जो भी उनका जो धन दौलत है उनको लूट लिया करते थे, तो ये लूटमार के लिए जो पिंडारी लोग हैं प्रसिद्ध होते थे, ठीक है। अमीर खां को क्या करते हैं, मानसिंह बुलाते हैं अपनी सहायता के लिए, मानसिंह द्वारा निमंत्रित किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इनका बड़ा आतंक हुआ करता था उस समय, पिंडारियों का लूट लेते थे, बड़ी घमासान मचाते थे, मतलब एक तरह से मतलब जो जिस जगह पे जाते थे उसको बहुत बुरी तरह से लूटा करते थे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, मानसिंह जो है अमीर खां को निमंत्रण देता है इस युद्ध में सहायता करने के लिए, जो मिगोली का युद्ध हो रहा है, ध्यान रखिएगा, जगत सिंह और मानसिंह के मध्य। अब यहाँ पर क्या होता है, एक यहाँ पर जो युद्ध चल रहा है उसी समय अमीर खां वो भीम सिंह जो कृष्णा कुमारी के पिता हैं उसको बोलता है कि या तो एक काम कर, क्योंकि ये मानसिंह के कहने पर ऐसा कहा जाता है, ऐसा हुआ था, कि या तो एक काम करो कि कृष्णा कुमारी को या तो मार दो या फिर कृष्णा कुमारी का विवाह मानसिंह से कर दो। अब भीम सिंह के पास कोई चारा नहीं, ठीक है, वो जगत सिंह से विवाह करे या मानसिंह से विवाह करे, विपत्ति तो दोनों तरफ से ही है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, बड़ी ही मतलब जैसे बोलते हैं कि अपने हृदय पर पत्थर रख के कृष्णा कुमारी ठीक है, इसको जहर देकर मार दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कृष्णा कुमारी को पता था कि ये युद्ध मेरे लिए हो रहा है और वो उसको पता था कि ये जहर मुझे दे रहे हैं और वो हंसते हंसते उस जहर को पी जाती है, ऐसा इतिहासकारों ने लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें तो कहानी ये याद रखनी है कि कृष्णा कुमारी को जहर अमीर खां के कहने पर भीम सिंह द्वारा दे दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये कृष्णा कुमारी विवाद क्या है अब से पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मिगोली का युद्ध हुआ था, अमीर खां के कहने पर कृष्णा कुमारी जो है मेवाड़ की राजकुमारी है उसको जहर दे दिया जाता है, और इस प्रकार ये एक तरह से जो राजस्थान राजपूताना के जो एक मतलब माने की जो एक शक्ति है, अपने आप को स्वाभिमानी कहते हैं, एक तरह से कलंक की बात भी है कि ये एक 16 वर्ष की थी उस समय, कितने साल की थी, 16 साल की, कितनी मतलब एक तरह से एक मतलब निर्दयता की बात हो गई ना इस तरीके से, कि आप अपने मान सम्मान के लड़ रहे हैं लेकिन एक छोटी मतलब एक जैसे कन्या की एक मतलब हत्या हो गई है, ठीक है। तो मान सम्मान को लेकर एक तरह से कलंक भी माना जाएगा। तो आपको तो बस इतना याद रखना है कृष्णा कुमारी विवाद क्या था, एग्जाम में आए तो मिगोले का युद्ध ध्यान रखना है, और अमीर खां पिंडारी के कहने पर जो है भीम सिंह कृष्णा कुमारी को क्या दे देते हैं, जहर दे देते हैं, जहर पिला दिया जाता है, और मानसिंह जो है वो अमीर खां को निमंत्रित करता है, ठीक है। अब ये क्या, अमीर खां जो है ये तीनों से ही जो है जगत सिंह से भी पैसा ले लेता है, मानसिंह से भी पैसा लेता है, भीम सिंह से भी पैसा ले लेता है, तो इस तरीके से अपना काम चलाता है, ये इसका काम ही होता है कि लूटना, ठीक है, ये आगे की बात है। तो अब ध्यान रखिएगा कृष्णा कुमारी विवाद क्या है, तो भीम सिंह के समय में मेवाड़ के जो राजा थे उनके समय में हुआ था, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट शासक आते हैं हमारे,
ठीक है, देखिए इनके बाद में हमारे जो नेक्स्ट शासक हैं वो हैं सरदार सिंह। आपको बस इतना ही याद रखना है, सरदार सिंह के समय में मेवाड़ भील कोर, की स्थापना की गई थी। बस इनके समय का इतना ही है, ठीक है। देखिए मेवाड़ भील कोर क्या है, इस समय जो क्या है, जो पूरे भारत पर जो ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो चुकी है, ठीक है, तो मेवाड़ भील कोर की स्थापना की जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ठीक है। क्योंकि इस समय क्या है कि जो मेवाड़ में जितने भी भील है ना, वो क्या करते हैं, एक तरह से विरोध करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो उस जो भीलों के विरोध को रोकने के लिए मेवाड़ भील कोर की स्थापना की जाती है 1837 में की जाती है। तो ध्यान रखना ये इनके बारे में आता है, ठीक है। इसके बाद भी सज्जन सिंह नाम से आते हैं, सज्जन सिंह हैं इनके बाद में। सज्जन सिंह को विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया, जो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि दी जाती है, केसर ए हिंद की। तो इनके बारे में इतना ध्यान रखना है कि सज्जन सिंह को ही दी जाती है केसर ए हिंद की उपाधि। कौन देता है? विक्टोरिया। विक्टोरिया जो है इंग्लैंड की महारानी है, ठीक है। तो ये कहाँ की महारानी? इंग्लैंड की महारानी के द्वारा सज्जन सिंह को जो है केसर ए हिंद की उपाधि दे सकते। पूछ सकते हैं कि केसर ए हिंद की उपाधि महारानी विक्टोरिया ने मेवाड़ के किस शासक को दी थी? तो सज्जन सिंह को दी थी, ठीक है। इनके बाद में राम सिंह आते हैं, ठीक है। इनके समय में एक और काम होता है, डाकन प्रथा। जो डाकन प्रथा है वो जब हम आपको प्रथाएं पढ़ाऊंगी तो अब डाकन प्रथा की समाप्ति होती है। सती प्रथा का जो भी है, जो कन्यावध है, कन्यावध पर रोक लगाई जाती है। मतलब इस समय क्या हो रहे हैं, मतलब इनके सामाजिक सुधार के कार्य होते हैं सज्जन सिंह के समय। राम सिंह के समय में सती प्रथा जो है उसको पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाता है। सती प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंधित। इनके विषय में बस एक एक दो दो लाइनें याद रखनी है आपके, पूर्णतः प्रतिबंधित, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो राम सिंह के समय सती प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाता है, सज्जन सिंह के समय में डाकन प्रथा और कन्यावध को मतलब निषेध कर दिया जाता है, ठीक है। डाकन प्रथा ये होती है, एक तरह से कोई स्त्री होती है उसमें ऐसा माना जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा किसी भूत प्रेत का, किसी चुड़ैल का ऐसा उसमें मतलब एक तरह से अंधविश्वास की बातें हैं, तो उसको क्या कर दिया, जिंदा जला दिया जाता था, उसको मारा जाता था, पीटा जाता था। एक डाकन प्रथा थी, एक तरह से अंधविश्वास को लेकर जो राजस्थान में बहुत ये जो फैली थी, ये जो एक तरह से कुप्रथा बोला जाएगा इसको, जो है ये डाकन प्रथा, मतलब डाकन है ये, एक तरह से अगर किसी भी घर में रहेगी तो उसका सर्वनाश हो जाएगा, इस तरह के अंधविश्वास की बातें जो इस प्रथा में मानी जाती थी। उस जो स्त्री को आरोप लगाया जाता था, उस स्त्री को जला दिया जाता था, मार दिया जाता था, पीट पीट कर मार दिया जाता था। तो एक तरह से ये एक कुप्रथा थी, ठीक है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट शासक आते हैं वो है फतेह सिंह। आपको एक एक दो दो लाइनें याद रखनी इनके बारे में। देखो फतेह सिंह जो है जब शासक बनते हैं तो इनको इनके समय में जो दिल्ली दरबार लगता है, ये इंग्लैंड की जो मतलब एक मतलब दिल्ली दरबार में आमंत्रित करते हैं, दिल्ली को राजधानी बनाया जाता है ब्रिटिश जो हम साम्राज्य के जितने भी गवर्नर जनरल होते हैं। आपको ध्यान रखना है बस इतना कि फतेह सिंह के समय दिल्ली दरबार हुआ था, तो ये उनको निमंत्रण दिया गया था फतेह सिंह को वहाँ पर जाने के लिए, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इन्हीं के समय में एक केसरी सिंह बारट एक क्रांतिकारी हुए थे। क्या नाम था उनका? केसरी सिंह बारट के द्वारा चेतावनी रा चुंगटिया नाम से सोरठे होते हैं, मतलब एक तरह से मतलब एक क्या बोला जाता है कि जैसे क्रांति की भावना से उत्पन्न ये क्रांतिकारी थे, ठीक है। तो एक कविता होती है, ठीक है, तो उस कविता को पढ़कर, उस सोरठों को पढ़कर जो फतेह सिंह को जो निमंत्रण दिया था ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल थे उस समय, जो ब्रिटिश शासक हुआ करते थे, तो उस
उसमें दिल्ली दरबार में वो जाते नहीं हैं, मतलब इतना देशभक्ति से मतलब परिपूर्ण था, ओतप्रोत हो गए थे। तो ये केसरी सिंह जो बारट हैं, उनके जो चेतावनी रथ चुंगटिया जो इनकी कविताएं हैं उसको पढ़कर ये इतने प्रभावित हुए थे कि ये दिल्ली दरबार जो हो रहा था वहाँ पर उपस्थित नहीं होते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये दिल्ली दरबार में वहाँ पे पहुँच गए थे दिल्ली में, लेकिन वहाँ उस जो सभा थी हो रही थी, दरबार हुआ था, उसको अटेंड नहीं किया था और अपनी उसी वहाँ से लौट आए थे। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो एक जो वहाँ के जो प्रिंस आ रहे थे उससे सिर्फ हाथ मिला के ही वो स्टेशन पर ही लौट आए थे ये। ठीक है, लेकिन उस सभा में शामिल नहीं होते। इन्हीं के समय में एक छपनिया अकाल पड़ा था। छपनिया अकाल, ध्यान रखना, छपनिया अकाल क्या है, ये पड़ा था 1899 में। देखिए, है तो 1899 में, लेकिन विक्रमी संवत है ना, जो देखिए विक्रमी संवत के अनुसार ये आएगा 1956। ये आपको बाद में समझाऊंगी, विक्रमी संवत तो ये बहुत सारे संवत होते हैं, तो 1956 का जो समय है विक्रमी संवत का समय है, इसलिए इसको छपनिया अकाल कहा जाता है। तो इन्हीं के समय में छपनिया अकाल पड़ा था। ध्यान रखिए, केसरी सिंह बारट ने चेतावनी रथ चुंगटिया किताब लिखी थी। ठीक है, दिल्ली दरबार में इनको निमंत्रित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन्हीं के समय में एक बहुत जो लंबा चलने वाला एक आंदोलन था, बिचौलिया किसान आंदोलन, आपको याद होगा बिचौलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। कौन सा है? बिचौलिया किसान आंदोलन इन्हीं के समय में प्रारंभ हुआ था, फतेह सिंह के समय में ही प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बिचौलिया किसान आंदोलन का प्रादुर्भाव भी इन्हीं के समय में हुआ था। ऐसा माना जाता है किसान जो है काफी जो आसपास के जो बिचौलिया जो है जो क्षेत्र है ये भीलवाड़ा में पड़ता है, वहाँ के जो जागीरदार थे वो कृषकों से, किसानों से क्या करते थे, बहुत ज़्यादा कर वसूल करते थे। क्या वसूल करते थे? बहुत ज़्यादा कर वसूल करते थे, जिसका किसानों ने विरोध किया था। और जो जागीरदार थे वो फतेह सिंह तक, जो महाराणा थे उस समय, उन तक ये सूचना नहीं पहुँचाते थे। उस मतलब महाराणा की मतलब उनके उनको सूचना भी नहीं होती थी, और जागीरदार जो होते थे, जो सामंत बोला जाता था, वो ज़्यादा कर वसूल किया जाता, बहुत ज़्यादा कर वसूल किया जाता था किसानों से। इसी कारण बिचौलिया किसान आंदोलन होता है, ये बहुत आगे तक चलता है। इसके बाद में जो भोपाल सिंह होते हैं, जो शासक आते हैं इसके बाद में, भोपाल सिंह, ठीक है, भोपाल सिंह के समय में देखिए बिचौलिया किसान आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था। इनके समय में आफ्टर जो है फतेह सिंह के बाद में भोपाल सिंह आते हैं, इनके समय में ही राजस्थान का एकीकरण हुआ। ठीक है, और राजस्थान जो अब हमें वर्तमान में राजस्थान का जो नाम है, मतलब जो एक संगठित भारत का एक अंग है, ठीक है, वो है राजस्थान। तो इन्हीं के समय में राजस्थान का एकीकरण हुआ। एकीकरण भी है आपके एग्ज़ाम में जो है सिलेबस में, तो शायद पूछेंगे तो एकीकरण पढ़ेंगे। तो बिचौलिया किसान आंदोलन भी इन्हीं के समय में प्रमुख, ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट है। देखिए, चेतावनी रथ चुंगटिया जो है किताब केसरी सिंह बारट ने लिखी, बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में कौन थे, क्रांतिकारी थे, उसको पढ़कर ये दिल्ली दरबार में नहीं गए थे। छपनिया अकाल भी पड़ा था। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बात और है कि यहाँ पर तो अकाल पड़ा हुआ है, और जो ब्रिटिश सरकार है उस समय वो दिल्ली दरबार का आयोजन भरा ही, मतलब बहुत पैसा खराब किया जाता है। छपनिया आयोग जो है, मतलब छपनिया जो अकाल पड़ा है उसको तो ध्यान नहीं दिया जाता, और बल्कि दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। तो एक तरह से जो इस बुक में जो इनकी कविताएं लिखी होंगी, तो एक तरह से देशभक्ति से ओतप्रोत होंगी, और इन्होंने वहाँ पे नहीं गए होंगे क्योंकि इनको उस समय देखना चाहिए था ब्रिटिश सरकार को कि जो अकाल में लोग मर रहे हैं उनको नहीं देखा गया, बल्कि दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसके बाद में भोपाल सिंह शासक बनते हैं, इनके समय में राजस्थान का एकीकरण होता है। ठीक है, और इनको राज प्रमुख भी बनाया जाता है, हम एकीकरण में पढ़ेंगे इनके बारे में। राजस्थान का एकीकरण किन के समय में हुआ था? भोपाल सिंह के समय में हुआ था। और जो कृषक आंदोलन भी आगे बढ़ा था इनके समय में, ही ख़त्म भी हो गया था बाद में। ठीक है, अब इसके यहाँ तक तो हमारे हो गए मेवाड़ के जितने भी क्या बोला जाता है शासक हैं, मेवाड़ के शासकों का हो गया। हमने पहला क्या पढ़ा था, हमने पहला जो शासक पढ़ा था मेवाड़ के शासक का अंत कहाँ से हुआ? भोपाल सिंह तक। ये हो गए 1947-48 तक रहते हैं। ठीक है, 1948-50 तक जो राजस्थान का एकीकरण हो जाता है, ठीक है, वो घटनाएं हम चलेंगी बातें। तो सबसे पहला जो है गुहिल वंश जो है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? गुहिल वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो गुहिल के द्वारा की जाती है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है,
थोड़ा एक समरी में देख लीजिए, गोहिल, फिर इसके बाद में कौन आते हैं, बप्पा रावल आते हैं, कौन आते हैं, बप्पा रावल आते हैं, ठीक है, बप्पा रावल के बाद में अलहट है, ठीक है। बप्पा रावल ने क्या किया था, एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था, ठीक है, हरित ऋषि मैंने आपको बताया था, अलहट जो है वो आहड़ में वरा मंदिर का निर्माण करते हैं, नौकरशाही इनके समय में हुई थी, ठीक है। इसके बाद में जेत्र सिंह है, जो महत्वपूर्ण जो है शासकों की बात कर रही हूँ, जेत्र सिंह आता है, जेत्र सिंह जो है इल्तुतमिश के साथ लड़ाई होती है, नागदा को लूटा जाता है इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है, और ये भूताला का युद्ध होता है इनके समय में, ठीक है। इनके बाद में रतन सिंह है, जो रतन सिंह जो है, ठीक है, रतन सिंह आते हैं, इनके बाद नेक्स्ट शासक जो है 1303 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण किया जाता है। मैं पूरी घटना आपको बताइए सारी आप देख लीजिएगा, वीडियो में आप देख लीजिएगा, मैंने आपको बताया हुआ है रतन सिंह का पूरा जो है, इसमें गोरा बादल है, ठीक है, गोरा बादल के लिए कौन सी किताब लिखी गई है, सब मैंने आपको क्लियरली बताया गया है, ठीक है। रतन सिंह के बाद में जो नेक्स्ट शासक आते हैं, हमीर आते हैं, हमीर देखो पूछा जाता है कि जो रावल शाखा है, रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था, तो वो कौन था, रावल शाखा का अंतिम, रावल शाखा का अंतिम शासक जो था वो था रतन सिंह। ध्यान रखिएगा इनके समय में क्या होता है कि जो सिसोदिया वंश प्रारंभ होता है, सिसोदिया वंश, तो इनके क्योंकि सिसोदा ग्राम से आया था, मैंने पूरी कहानी बताई हुई आपको वीडियो में, सिसोदिया वंश सिसोदिया ग्राम से आए थे, ठीक है। इनको मेवाड़ का उद्धारक भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने पुनः क्या होता है कि जब रतन सिंह के, मैंने आपको पूरा बताया था कि किस प्रकार ये मेवाड़ का उद्धारक क्यों कहा जाता है इनको, मैंने आपको पूरी वीडियो आप देख लीजिएगा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये आए थे वहाँ से, बनवीर जो है, बनवीर सोनग्रह है, मालदीव सोनग्रह के जो पुत्र है उनको मतलब चित्तौड़ के जो अधिकार उस समय होता है, तो वहाँ से हटाकर हमीर देव उनको चित्तौड़गढ़ को वापस प्राप्त करते हैं। बहुत सारी मैंने इनको कहानियाँ बताई हुई हैं आपको इनके बारे में, जो जो इन्होंने निर्माण कार्य कराए थे वो भी बताए हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना हमीर जो है, हमीर के समय में सिसोदिया वंश की स्थापना, इसके बाद में मेवाड़ में सिसोदिया वंश चलता है, ठीक है। हमीर के बाद में आपने नेक्स्ट देखा होगा, मतलब हम यहाँ पर देखिएगा कि जितने भी जो शासक है उनको हम सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा हमीर देव आता है, और हमीर देव के बाद में फिर एक जो शासक आते हैं वो राणा लाखा आते हैं, राणा लाखा जो है महत्वपूर्ण शासक है, ठीक है। राणा लाखा के बाद में मोकल मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। वैसे हमीर देव के बाद में जो छेन सिंह भी बनते हैं उनका महत्वपूर्ण नहीं इतना, राणा लाखा है, मोकल है, फिर इसके बाद में आपको बताया था कुंभा बनते हैं, कुंभा शासक बनता है, कुंभा के मैंने आपको कितनी उपलब्धियां बताई हुई हैं, ठीक है। इसके बाद में कुंभा के बाद में रत्न सिंह बनते हैं, चाचक रत्न विक्रमादित्य शासक बनते हैं, ठीक है। इस प्रकार आगे बढ़ता है विक्रमादित्य के बाद में, फिर उसके बाद में उदय सिंह आते हैं, उदय सिंह के बाद में फिर प्रताप आते हैं, प्रताप के बाद में अमर सिंह है, अमर सिंह के बाद में मैंने आपको बताया था राज सिंह है, मतलब बहुत सारे महत्वपूर्ण जो शासक है, राज सिंह के बाद में मैंने आपको बताया, जय सिंह बताया फिर मैंने आपको, ठीक है। जय सिंह के बाद में हमने देखा संग्राम सिंह है, जगत सिंह सेकेंड है, ठीक है। इस प्रकार ये सारा सीक्वेंस है मैंने आपको पूरा बताया हुआ है, आप जाइए और वीडियो में सारे जो मेवाड़ के जितने भी शासक हैं, जितने भी उनके जो कल्चरल जो अचीवमेंट्स हैं मैंने आपको उसमें पढ़ाया हुआ है, आप देखिए उसमें, ठीक है। सारी वीडियो में सब एक एक शासक के बारे में पूरा डिटेल से बताया हुआ है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, जैसे बांडी का महल किसने बनाया जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, तो इस तरीके से सारे, और एक हाथी युद्ध क्या है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो जैसे हल्दीघाटी के युद्ध में एक जो कौन सा युद्ध हुआ था, एक और युद्ध है लूणा और रामप्रसाद कौन है, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा जो है जब महाराणा सांगा जो मैंने आपको पढ़ाया था, महाराणा संग्राम सिंह जो थे उनके समय में जब उनका राज्याभिषेक हुआ था तो कौन था दिल्ली का जो शासक था या बादशाह कौन था उस समय, तो ये भी मैंने आपको उसमें बताया हुआ है। खतौली का युद्ध कैसे होता है, बारी का युद्ध क्या है, सारी सीक्वेंस मैंने आपको इन सब वीडियो में बताई हुई है। आप मेवाड़ का इतिहास पूर्ण रूप से देखिए, सारे एक एक शासक के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, आप जो वीडियो देखिए और आप इसको शेयर भी कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, और तब तक के लिए धन्यवाद, आगे मिलते हैं।